हेलो लिसनर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम अपने आर्ट वर्क को कैसे सेव कर सकते हैं। आर्ट वर्क को सेव करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने ये हमारे पास ये आर्ट वर्क है, हमने इसको सेव करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे सेव। जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमसे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है और यहाँ से हमने जहाँ पर उसको सेव करना हम वो लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डेस्कटॉप में यहाँ पर अपनी फाइल को सेव करना है, यहाँ से हम उसका नाम दे देते हैं 3D रिबन। 3D रिबन देने के बाद आप देखेंगे नीचे सेव एज अ टाइप की ऑप्शन आती है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दे देता है, आप अपने अकॉर्डिंगली जिसमें भी आप इसको सेव करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। हम यहाँ पे Adobe Illustrator के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक सेव का बटन आ जाता है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आपने देखा तो ये हमारा 3D ribbon.ai मीन्स AI जो है हमारे Adobe Illustrator की एक्सटेंशन फाइल है, ऑलरेडी इसने यहाँ पर पुट कर दिया। हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, किसी को कुछ रेज नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, हम क्या डायरेक्टली सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन ऑप्शन का एक विंडो डिस्प्ले होता है। यहाँ पर यह हमें ये दिखाना चाहता है कि आप अपने ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर वो शो करना चाहता है कि आप अपनी जो फाइल आपने बनाई है आप उसको PDF कंपेटेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चेक का बॉक्स रहने दीजिए, नहीं बनाना चाहते तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। एम्बेडेड ICC प्रोफाइल रखना चाहते हो या यूज कंप्रेशन भी रखना चाहते हो, मीन्स यूज कंप्रेशन का कोई और बंदा भी अगर आप किसी को सेंड करते हो तो उसको भी ये यूजर फ्रेंडली हो सकता है। हम इसमें कोई भी चेंजेस ना करते हुए हम इसको करते हैं ओके। जैसे हमने इसको ओके किया अब ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अगर आप इसके कंट्रोल पैनल यहाँ पर आके देखेंगे यहाँ पर हमें शो हो रहा है 3D ribbon AI means that कि ये जो हमारी आर्ट वर्क है ये 3D ribbon AI के नाम से सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आज के ट्यूटोरियल में हमने आर्ट वर्क को सेव करना सीखा। थैंक यू।